Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome you all in today's session. During the last week, I was reading few articles. And in those articles, this sentence captured my attention. And it says that corporations need to shift the focus of their recruitment and training programs from flawed attribute checklists toward identifying and, if necessary, changing people's understanding of what jobs entail. This would mean ke ek competency framework की जरूरत है जिसको हमने अपग्रेड करना है, शेयर करना है और इंप्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के अंदर, और लोगों से डिस्कस करना है कि उनकी जॉब्स में एक्चुअली क्या रिजल्ट एरियाज हैं और वो अपनी कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफिशिएंसीज के साथ अपनी जॉब से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी आज की डिस्कशन पिछले डिस्कशन के साथ एक कंटिन्यूएशन में वो चलेगी, जिसमें हमने स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफिशिएंसीज की बात की थी, और अभी भी बहुत ज्यादा गैप वो मौजूद है कि ऑर्गेनाइजेशंस दे आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो के उनको दरकार हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को लेकर आने के लिए। और उस मकसद के लिए हमें जो नए ट्रेंड्स हैं, जो फ्यूचर में आने वाली स्किल्स हैं, उन सब चीजों के ऊपर वो अपना फोकस रखना होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में चंद बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट द पीटर प्रिंसिपल। I think के most of you might have never heard about this concept, लेकिन this is very interesting concept और इसके ऊपर बेशुमार research वो जारी है, बेशुमार लोगों के criticism भी मौजूद हैं। And the Peter principle says the employees rise to their level of incompetence with the passage of time. For example, in the start, their employability provides the basis for their promotability. Being the junior fellow in the organization, that person is doing very fine, is very efficient and very effective, and we promote that person to the upper level. The promotion is good. Uski promotability ne usko ek senior post par pahunchaya. But when we promote that fellow further, तो पीटर प्रिंसिपल का कहना यह है कि जो जो आपकी तरक्की होती जाती है, आप हायर लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस पर, इनकम्पिटेंसी पर पहुंचते जाते हो। ओके, द रीजन बीइंग कि तरक्की के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव में आपकी कैरियर प्रोग्रेशन हो रही है, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है, और जो जो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देनी कम कर देते हो, तो आपकी इनकम्पिटेंसी वो बुरे कार आनी शुरू हो जाती है। अब दिस प्रिंसिपल इज एस्टैब्लिश्ड। इसके बाद इस सर्कल को, इस विशियस सर्कल को ब्रेक करने के लिए, इस विशियस प्रमोशन को ब्रेक करने के लिए, अब नो डाउट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो लॉन्च करेंगी, वो सक्सेशन प्लानिंग के बारे में सोचेंगी, वो कोशिश करेंगी कि इस प्रिंसिपल के बरक्स
एक सिचुएशन वो बन सके जिसमें के उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाए जो प्रमोशन के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड अपडेट करने के बारे में भी सोचें। अदरवाइज वक्त वो बहुत सी चीजों को, लोगों की स्किल्स को भी वो ऑब्सोलीट वो कर देता है और नतीजतन आप एक मुकाम पर वो पहुंच तो जाते हो लेकिन जिस तरह जूजू बुलंदी पर पहुंचने से ऑक्सीजन कम हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जूजू आप इस प्रिंसिपल के मुताबिक बुलंदी पर पहुंचते हो, हायर कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करते हो, तो आपका कॉम्पिटेंस लेवल वैसा नहीं रहता जैसी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपने लोअर लेवल के ऊपर बीइंग हैविंग एम्प्लॉयबिलिटी आपने शो की थी। सो इस तरह की बहुत सारी रीजंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिन रीजंस की बुनियाद पर हमें प्रोफिशिएंसीज, कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, वक्त के बदलते हुए तकाजे, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड गोल्स, मिशन विजन, इन तमाम चीजों को मद्देनजर वो रखना पड़ेगा। इसकी जस्टिफिकेशन जो हमारे पास आ सकती है, जैसा अभी मुझसे सवाल भी पूछा जा रहा है, इसकी जस्टिफिकेशन जो हमारे पास आ सकती है वो जस्टिफिकेशन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट पर बेस्ड होगी जो इन द रिसर्च मुख्तलिफ औकात में की गई और ये चीज देखी गई कि कैरियर प्रोग्रेशन जब ऑर्गेनाइजेशंस में होती है तो जो इंडिविजुअल प्रोग्रेशन है वो उस मकदार और उस रिक्वायरमेंट और उस तरतीब और उस स्पीड से वो नहीं हो पाती। और हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन प्रमोटेबिलिटी के ऊपर फोकस वो कम हो जाता है। ये इंसिडेंट्स हमें बेशुमार औकात में सक्सेशन प्लानिंग के दौरान भी देखने को मिले कि जहां पर हम लोगों को प्रॉपरली ट्रेन एंड डेवलप फॉर द हायर लेवल वो नहीं कर पाते। बिकॉज याद रखिएगा कि हर एक लेवल के लिए जो कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। जैसा आपसे मैंने कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसमें हम कॉम्पिटेंसीज को 3 to 5 लेवल्स तक वो डिवाइड करते हैं, तो आपकी प्रमोशन तो हो रही है, अब चाहे वो सीनियरिटी बेस्ड हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी वो स्पेस क्रिएट हुई जिसकी वजह से आपको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपने उस अपर लेवल जॉब के लिए जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी था उसको प्रॉपरली एक्वायर किया है या एक्वायर नहीं किया। अगर आपने अपने आप को अपर लेवल के लिए अपडेट और अपग्रेड नहीं किया तो फिर आप इन कॉम्पिटेंसी के शिकार हो जाओगे व्हेन यू विल बी प्रमोटेड। इसके ऊपर नो डाउट आपका क्रिटिसिज्म, आपकी रिसर्च आइडियाज, दे आर ऑलवेज वेलकम कि आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें कि इस पीटर प्रिंसिपल के क्या क्या फर्दर इंप्लीकेशंस वो हो सकती हैं। और एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया, एक बहुत बड़ी रिसर्च डोमेन हमारे सामने खुल जाती है सिर्फ इस एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि बेशुमार लोग व्हेन दे राइज टू देयर अपर स्केल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंसी इज रादर डेवलपिंग, इज गेटिंग मोर। ऑलराइट, द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम इज बेसिकली अ लिटिल हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव कि ये HRM की जो डोमेन है इसकी एवोल्यूशन वो किस तरह से हुई। ड्यूरिंग 1890s हमारे पास जो HRM का कॉन्टेक्स्ट था दैट वॉज मोर लाइक वेलफेयर ऑफिसर। 1939 तक जो एक डेवलपमेंट हमें नजर आई कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डोमेन में जो फोकस किया जाना शुरू हुआ इट वॉज मोर रिलेटेड विद द लेबर मैनेजमेंट। 1945 से 79 तक हमें जो टाइम पीरियड मिलता है उसमें लेबर मैनेजमेंट वॉज मोर शिफ्टेड टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट जिसमें के लोगों को डेवलप करने के बारे में बात की जानी शुरू हुई। सिर्फ लेबर फोर्स की मैनेजमेंट नहीं करनी, आपने लोगों को डेवलप करना है, आपने टैलेंट को एक्वायर करना है और टैलेंट को रिटेन करना है। उसके बाद 1980 और 90 की दहाई में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट वो पर्सनल मैनेजमेंट से इवॉल्व होकर हमारे सामने आया जिसमें के मोटिवेशन वॉज द नेक्स्ट स्टेप विच वॉज डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सिर्फ आपने उनकी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना है,
आपने टैलेंट को एक्वायर और रिटेन नहीं करना, आपने उनको मोटिवेट भी करना है, और मोटिवेशन इस तरीके से करनी है कि इट इज नॉट दैट यू आर रिटेनिंग देम, इट शुड बी इन अ वे कि पीपल वुड लाइक टू स्टे विद यू। ठीक है, ये एक शिफ्ट आनी शुरू हुई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसका यह मतलब नहीं कि आपने रिटेंशन स्ट्रेटेजीज को यूज करके लोगों को अपने पास रोक रखा है, रादर मोटिवेशन का कॉन्टेक्स्ट असल में यह था कि लोग आपके पास रहना चाहें, ना कि आप उन्हें रोक कर रखो। ओके, तो ये एक जो शिफ्ट हमें पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है, दैट वाज द टाइम जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एक्सप्रेशंस थे वो हमारे सामने आने शुरू हुए, और टैलेंट को प्रोक्योर और डेवलप करने के साथ साथ मोटिवेट करने की बात वो भी जेरे बहस रही। बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी जो बज वर्ड्स हमारे पास आने शुरू हुए वो ये थे कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स इज एक्चुअली अ कैपिटल, ये हमारा एक एसेट है, उसकी एक फाइनेंशियल वर्थ भी है, जिसको ह्यूमन कैपिटल एवेल्युएशन हम कहते हैं। और उसी के साथ साथ एचआरएम की जो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन थी वो भी बहुत एक्टिवेट हो गई, और हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को, ह्यूमन रिसोर्स पर्सोनल्स को बिजनेस पार्टनर का खिताब वो देना शुरू किया, और हमने ये समझना भी शुरू किया कि जो पीपल इंपॉर्टेंस है, जो ह्यूमन एलिमेंट की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपको मैंने कुछ अप्रोचेस के बारे में बताया था, जैसे टोटल ह्यूमन अप्रोच, THQM, टोटल ह्यूमन क्वालिटी मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इवॉल्व होने शुरू हुए, जिसमें कि ह्यूमन की इंपॉर्टेंस उसको पिक किया जाना शुरू हुआ, और ये कहा जाना शुरू हुआ कि ह्यूमन एक सिस्टम का सिर्फ कंपोनेंट नहीं है, बल्कि ह्यूमन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन के पास एक विल पावर भी है, ह्यूमन की एक अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, ह्यूमन के पास इमोशंस एंड मूड्स भी हैं, ह्यूमंस के पास इंटेलिजेंस भी है। ठीक है, तो इन कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पर उसको एक मशीन का पुर्जा समझने की बजाय एक बिगर लेवल कॉन्टेक्स्ट में वो उसका मुकाम एक रखा गया, और साथ ये बात भी डिस्कस की गई कि अगर ह्यूमन कैपिटल हमारा एक एसेट है, एक ह्यूमन कैपिटल एवेल्युएशन हम फाइनेंशियल टर्म्स में कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि ह्यूमन के ऊपर जो आप पैसा लगाओगे वो पैसा फिर कॉस्ट नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी इन्वेस्टमेंट। और अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया हमारे पास इवॉल्व हुआ, और वो आइडिया ये था कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर लगने वाले पैसे को अगर हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो फिर उसके अगेंस्ट एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट वो होना चाहिए। So, इसके ऊपर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम ऑलरेडी जारी भी है, बहुत से मैट्रिसेस डेवलप किए गए जिन मैट्रिसेस के जरिए इस बात की कोशिश की गई कि हम ह्यूमन एलिमेंट की इवेल्युएशन वो कर सकें, फाइनेंशियल इवेल्युएशन वो कर सकें, इकोनॉमिक वर्थ इसकी कैलकुलेट कर सकें, और उस इकोनॉमिक वर्थ को कैलकुलेट करने के बाद हम उससे रिलेटेड जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको भी कैलकुलेट कर पाएं, और ना कि सिर्फ उसको बातों की हद तक रखें बल्कि दैट शुड बी द पार्ट ऑफ अवर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एज वेल। So, इसके ऊपर अभी हम मुख्तसर सी बात आगे चलकर करेंगे कि आपके पास किस तरह की मैट्रिसेस हैं जिन मैट्रिसेस में ह्यूमन इवेल्युएशन वो की जाती है। इसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे नंबर्स में, ह्यूमन वर्थ को, ह्यूमन स्किल्स को, उसकी कॉम्पिटेंसीज को हम फाइनेंशियल नंबर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, ताकि हम इन चीजों को कैलकुलेट करके ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो परफॉर्मेंस मेजर्स है इन टर्म्स ऑफ स्कोर कार्ड्स एंड डैशबोर्ड्स, उसको हम मेजर एंड एवेल्युएट वो कर सकें। ऑब्वियसली ह्यूमन एसेट को हम ओन नहीं कर सकते, हम रिटेन कर सकते हैं, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहस जो जारी है कि हम रिटेंशन अपनी स्ट्रेटेजीज मोटिवेशनल परस्पेक्टिव भी ऐसे डेवलप करेंगे कि हमारे पास जो हमारा असल टैलेंट पूल है वो रिटेन रहे। इसके साथ ही साथ एक और बात जहन में रखिएगा कि इस बात को भी माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एक एवरेज टर्नओवर पर एनम रेट भी होता है, कि एक इंडस्ट्री से रिलेटेड, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हर एक सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक एवरेज टर्नओवर पर एनम रेट वो भी होता है कि एक खास नंबर ऑफ पीपल वुड बी लीविंग। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इस बात की कोशिश करती हैं कि जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं दे शुड नॉट बी द हाई परफॉर्मर्स। ठीक है, सो सिर्फ आपको लोग वो छोड़कर जाएं विच आर अदरवाइज लो परफॉर्मर्स, हु आर अदरवाइज इनकम्पिटेंट, हु आर अदरवाइज नॉट कंपेटेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कल्चरल इनकम्पेटेबिलिटी हो या वो जॉब इनकम्पेटेबिलिटी हो। ओके, सो अब इस बहस को हम एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं कि सन 2000 के बाद
जब ह्यूमन कैपिटल इवेल्युएशन की बातें होनी शुरू हुई, एचआर को बिजनेस पार्टनर का नाम दिया जाना शुरू हुआ. सो आफ्टर द 2000 हमारे पास जो एक टाइम फ्रेम डेवलप होता है, उस टाइम फ्रेम में डिफरेंट जो एचआर फंक्शनैलिटीज थी, उन फंक्शनैलिटीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस वो किया जाना शुरू हुआ. और ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट, क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स ऑफ एंगेजमेंट, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे, दे वर बिकमिंग द नॉर्म्स ऑफ द डे. ठीक है. और बेशुमार तरह की एप्स, बेशुमार तरह की रिपोजिटरीज वो मेंटेन होनी शुरू हो गई, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो हर तरह का रिकॉर्ड कीपिंग है उसको मेंटेन रखा जाए. अब इस मौजूदा स्लाइड के ऊपर हम सन 2000 से लेकर 2016 तक की एक डेवलपमेंट वो देख रहे हैं, जिसमें के बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन से लेकर हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, ई लर्निंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस क्लाउड, एचआरएमएस, आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स जो थे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड वो डेवलप होने शुरू हुए, आपके डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशंस ने एसोसिएशन करनी शुरू की, और मोस्ट मॉडर्न जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हुए द न्यू वर्ल्ड ऑफ एचआर एप्स के, उसमें हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फीडबैक परफॉर्मेंस के टॉपिक्स थे, जिसमें पीपल सॉफ्ट, आउटलुक सॉफ्ट, इस तरह के बहुत से सिस्टम्स वो अवेलेबल होने शुरू हुए. ईआरपी का बड़ा एक ट्रेंड आ गया, सैप सिस्टम्स, उसमें बेशुमार एचआर के मॉड्यूल्स वो डेवलप हो गए. इसी तरह रियल टाइम एंगेजमेंट, लोगों की हमने कैसे इंश्योर करनी है, आपके कैंडिडेट की हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट के लिए हम वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स वो कैसे कर सकते हैं, बिकॉज बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था. एमएनसीज का आउटबर्स्ट बेशुमार कंट्रीज में जा चुका था, तो अब इस बात को देखना जरूरी था कि हम ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज करें. प्रोजेक्ट्स में जो एचआर का यूजेज थी उसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज की जाने की जरूरत वो पेश हमें आई. इसी तरह वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स जो थे दे वर ऑल डेवलपिंग. लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स के साथ साथ एक इशू जिस पे कॉम्प्रोमाइज भी होना शुरू हो गया, दैट वाज वर्क लाइफ बैलेंस. लिहाजा सन 2016 के करीब हमें जो नई डेवलपमेंट्स नजर आनी शुरू हुई, दे वर मोर लिंक्ड विद वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज. वेलनेस प्रोग्राम्स जो थे इसके ऊपर बहुत फोकस वो किया जाना शुरू हुआ, और 24/7 वर्किंग एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अगेन वॉज बिकमिंग द नॉर्म ऑफ दैट डे. ठीक है, जिसके तहत हम एक ऐसा सिस्टम मैनेज कर पाए जहां पर वर्ल्ड वाइड आपका जो वर्किंग पैटर्न्स हैं, वर्किंग स्टाइल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूस ओरिएंटेशन के साथ वो चलते रहें. इसी तरह आपके बेशुमार एप्स, मोबाइल एप्स भी, आपके सिस्टम के एप्स भी जो हैं वो डेवलप हुए, जिन्होंने फर्दर फैसिलिटेट करना शुरू किया एचआर की प्लानिंग को, एचआर की मैनेजमेंट को, एचआर के एग्जीक्यूशंस को, और ऑब्वियसली एचआर से आने वाले आउटकम्स को. ठीक है, और इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि इस सारे प्रोसेस के दौरान जो डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट था कॉर्पोरेशंस का, इट वाज अगेन ट्रिमेंडस. मार्केट ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी एंड पीपल वर अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज. तो टेक्नोलॉजिकल जो रीइंफोर्समेंट थी, इट वॉज बिकमिंग वेरी फास्ट. अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंटल परस्पेक्टिव्स को देखते हैं, जिसमें के हमारे पास दो मेन एस्पेक्ट्स वो इवॉल्व होते हैं. वन इज द एचआरएम हार्ड साइड एंड अदर इज द एचआरएम सॉफ्ट साइड. जब हम एचआरएम हार्ड परस्पेक्टिव की बात करते हैं, तो दैट हार्ड परस्पेक्टिव इज बेसिकली talking about treating employees rationally as a key resource from which competitive advantage can be obtained. Okay, तो यहां पर हमने human को as a resource, as a component in the system वो pick किया, और हमने ये कहा कि ये component in the system जो है ये actually हमें basis provide करेगा for long term survival and above average return, और हमने उसकी sustainability के बारे में बातें करनी शुरू की, और हमने इस बात को विजुअलाइज किया कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं और इसका स्ट्रेटेजिक रोल वो क्या होगा. अब जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो दोज प्रिंसिपल्स वर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पीपल फॉर द जॉब, टाइम एंड मोशन स्टडीज, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, उसको एक हमें डायरेक्शन देने की जरूरत है, ताकि अगर हमें टास्क स्पेशलाइजेशन भी करवाना है तो हम
टारगेट ओरिएंटेड आउटकम्स के ऊपर फोकस वो कर सके, हम मिनिमम स्टाफिंग करें और मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम द मशीन्स ले सके, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के तमाम रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो अप करें और एनुअल अप्रेजल्स की बजाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर फोकस वो किया जाए। इसी तरह एक एंटी यूनियन क्लाइमेट का जो कॉन्सेप्ट था इट वॉज इवॉल्विंग। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अगर हम परस्पेक्टिव में हार्ड एचआरएम को देखें तो उस केस में ऑब्वियसली जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स थे दैट फॉलोइंग द मिशन एंड विजन, डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव्स, टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, उसके बाद आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट, आपकी फोकस्ड डायरेक्शन जिसमें के बजटिंग और स्केड्यूलिंग, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे दे वर बिकमिंग द नॉर्म। सो एचआरएम को हमने हार्ड परस्पेक्टिव में रैशनल ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कस किया रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम एचआरएम के सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव की बात करें, जो डेवलपमेंटल इसमें कंसर्न्स हमें नजर आए, तो सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव में इट वॉज एम्फसाइज्ड कि देयर इज ए नीड टू डेवलप अ हाई कमिटमेंट हाई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि सिर्फ ह्यूमन एक कंपोनेंट इन द सिस्टम नहीं है, सिर्फ हमने उसको एज ए रोबोट एज ए मशीन पार्ट के तौर पर पिक नहीं करना, हमने सिर्फ उससे रिजल्ट्स नहीं लेने बल्कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उसकी जो कमिटमेंट है, उसकी जो एंगेजमेंट है, इन तमाम चीजों को भी हमने मद्देनजर रखना है। Therefore, only talking about the rationality perspective, यहां पर जो perspective हमारे पास आया, it was more talking about mutuality, जिसमें के win-win collaborations जो थी अपने employees के साथ, उनकी बात की जानी शुरू हुई। और उन win-win collaborations में जहां पर mutuality की बात की जाएगी, जहां पर communication की बात की जाएगी, जहां पर लोगों की involvement की बात की जाएगी, वहां पर हमें human relations के जो factors हैं, उनको मद्देनजर रखना है। उसमें मोटिवेशन की बात करनी है, उसमें हमें टीम वर्किंग की बात करनी है, उसमें हमें पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है, पीयर प्रेशर्स बेशुमार तरह के हो सकते हैं, ग्रुप फिनोमेनास को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। आपके बेशुमार तरह के ग्रुप एक्टिविटीज ग्रुप फिनोमेनास जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर वक्त हो रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के जो फैक्टर्स हैं उनको भी मद्देनजर रखना है, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने की बेशुमार जरूरत हमें मौजूद है। So, ये तमाम चीजें जो थी दे वर टॉकिंग अबाउट मोर द सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव रिलेटेड टू द एचआरएम, जिसमें कि म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हाईलाइट हो रहा है। लाइकवाइज जापानीज मैनेजमेंट के जो बहुत से कॉन्टेक्स्ट थे वो हमारे सामने आए, जिसमें कि कमिटमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसकी उसको फॉस्टर कैसे करना है, उसको डेवलप कैसे करना है, उसको कल्चर की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जानी शुरू हुई, क्वालिटी के बेशुमार टॉपिक्स जो थे दे वर कमिंग इन, जिसमें कि क्वालिटी परस्पेक्टिव्स में हम किस तरीके से इस बात को इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है ये दोनों चीजें मेंटेन रह सकें, आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रह सके, कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो कम से कम हो सकें। सो देयरफॉर क्वालिटी के तमाम लिटरेचर्स के अंदर इस बात पर फोकस किया गया कि क्वालिटी स्टार्ट्स विद द एम्प्लॉइज। ओके, अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट के फाइव पिलर्स की भी बात करो तो उन फाइव पिलर्स में मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है दे आर लिंक्ड विद द एचआर। फॉर एग्जांपल आप फाइव पिलर्स में यू टॉक अबाउट फर्स्ट इज एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट जाहिर है मशीन की नहीं होती, इंसान की होती है। देन यू टॉक अबाउट एक्यूरेट मेजरमेंट, तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जो मशीन है उसको चलाने वाला इंसान है। इसी तरह आप जब बात करते हो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी मशीन नहीं करती है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में मेजर एलिमेंट इज ह्यूमन एलिमेंट। लाइकवाइज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में आप जब बात करोगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जैसे वन ऑफ द पिलर काउंट किया जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो मेजर सोर्स है वो मशीन ओरिएंटेशन नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मेजर सोर्स इज ऑलवेज एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट। ठीक है, और इसी परस्पेक्टिव में इंप्लॉय को भी एक इंटरनल कस्टमर का नाम वो दिया जाना शुरू हुआ कि सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमारा मोटिव नहीं होगा, हमारा इंटरनल कस्टमर हमारा इंप्लॉय भी है। लाइकवाइज द कॉन्सेप्ट्स लाइक इंप्लॉय ब्रांडिंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आने शुरू हुए कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड काउंट नहीं करवाएंगे, हमारे जो चलते फिरते लोग हैं जो ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं और हमारे चलते फिरते ब्रांड्स भी हैं, तो उनको भी हमें मद्देनजर वो रखना है। So, related to the human perspective, जितने भी अंदाज से organization mutuality create कर सकती है, इन तमाम चीजों के ऊपर focus वो हमारा रहा। So, अब हम ये नहीं कह सकते कि हमें एक वक्त में एक side of HRM को वो मद्देनजर रखना है।
एक्चुअली जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन में एचआरएम हार्ड साइड एंड एचआरएम सॉफ्ट साइड बोथ ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स दे प्ले देयर रोल. हमें रैशनैलिटी को भी लेकर आना है और हमें म्यूचुअलिटी को भी मद्देनजर रखना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल को लॉन्ग टर्म इंश्योर वो कर पाएगी. अब जब हम एचआर मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करेंगे तो एचआर मैनेजमेंट फंक्शंस में हमारे पास स्ट्रेटेजिक रोल भी है जिसके तहत हम एचआर की इफेक्टिवनेस, एचआर की मैट्रिसेस कैलकुलेशन, एचआर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस, एचआर प्लानिंग, एचआर रिटेंशन, इन एलिमेंट्स को देखते हैं. हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात वो करेंगे क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वर्ल्ड वाइड डाइवर्सिटी के इश्यूज आने शुरू हुए, जब एमएनसीज ने मुख्तलिफ कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस शुरू किए तो जो चैलेंज उनको सामने आया वो डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा वो चैलेंज था. अक्रॉस द कल्चर जो कल्चरल मिसमैच थे उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा इशू था. वैल्यूज का क्लैश आना शुरू हो गया. इसी तरह रंगो मजहब के लोग डिफरेंट एक जगह पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड डाइवर्सिटी ये बड़ा एक हॉट टॉपिक बनकर हमारे सामने आया. तो देयरफॉर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और उसके लीगल पर्सपेक्टिव्स जो थे उनके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा रहा. अब यहां पर जैसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के केस में अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैंने स्लाइड के लेफ्ट साइड पर जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के आर्टिकल्स मौजूद हैं उनका रेफरेंसेस यहां पर दिया हुआ है. आप अगर जनरली अमेरिकन ऑथर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो वहां पर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो लॉ है दैट इज टाइटल 7 1964 सिविल राइट्स एक्ट. लेकिन टाइटल 7 1964 सिविल राइट्स एक्ट व्हिच इज प्रीवेलेंट इन अमेरिका वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है कि एप्लीकेबल नहीं होगा. पाकिस्तान के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल नंबर 27 आर्टिकल नंबर 38A ये आपके वो आर्टिकल्स हैं जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के तहफ्फुज़ की बात वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां से मेरे साथ पढ़कर देखिए कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के केस में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स इन अपॉइंटमेंट in the service in Pakistan, provided that the performance and functions of the job can be carried out by and in deemed suitable for both sexes, Article 27 mein iska zikr hai. It also provides that steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. This is Article 34. Because yaad rakhiyega ki jab hum khawateen ke contribution ki bhi baat kar rahe hain, to humare paas women are also counted as protected class. और प्रोटेक्टेड क्लास में हमारे पास चार मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो मौजूद हैं. प्रोटेक्टेड क्लास में सबसे पहले विमेन, उसके बाद डिसेबल, उसके बाद माइनॉरिटीज और उसके बाद एबोरिजिनल. एबोरिजिनल हम उन लोगों को कहते हैं जो किसी जगह के असल रहायशी हो. तो प्रोटेक्टेड क्लास के कॉन्टेक्स्ट में भी और आर्टिकल 34 के अंदर भी हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट मौजूद है कि विमेन पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ इस बात को हमने इंश्योर करना है. और अगर फर्ज करें कि किसी जगह पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी पर्सपेक्टिव में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जा रही है, वहां पर एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उस सूरत में उन ऑर्गेनाइजेशंस को अफर्मेटिव एक्शन वो लेना पड़ेगा. और अफर्मेटिव एक्शन से मुराद है कि दे हैव टू टेक सर्टेन करेक्टिव एक्शंस, जिन करेक्टिव एक्शंस के जरिए वो माइनॉरिटीज को बैलेंस कर सकें, वो विमेन एंगेजमेंट को बैलेंस कर सकें, वो डिसेबल लोगों के जो हकूक हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट वो कर सकें. लाइकवाइज अगर हम इस बात को थोड़ा सा आगे चलाएं, द कॉन्स्टिट्यूशन कमिट्स द स्टेट टू सिक्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटर एरिया देयर सेक्स बाई आर्टिकल 38A में इसका जिक्र है, रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाई प्रिवेंटिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टू द डेट्रीमेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees and landlords and tenants. So in tamam cheezon ke perspective mein hame is baat ka